सीतापुर में ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दबने से मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भोगीपुर नेवादा की है। यहां ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत से कोहराम मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बेलहरा निवासी 38 वर्षीय ट्रैक्टर चालक राजेश पुत्र बिहारी लाल अपने साथी विनोद सिंह पुत्र वीर लाल के साथ ट्रैक्टर पर यूकेलिप्टिस के पेड़ लादकर कचनार गया था। ट्रैक्टर चालक जब लकड़ी को डालकर वापस घर आ रहा था, उसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ी को ओवरटेक करने का रास्ता दिया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और खाई में चला गया। खाई पर जाने के बाद ट्रैक्टर पलट गया। इस भीषण सड़क हादसे को देखकर वहां मौजूद स्थानीय लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े और मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को साइड करवा कर उसके नीचे दबे दोनों व्यक्तियों को उपचार के लिए सीएससी भेजा, जहां डॉक्टरों ने चालक राजेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि साथी व्यक्ति का उपचार अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज़।